Hello students, welcome to channel Maths Mint by Kamlesh. Today I shall solve for class 10 maths applications of trigonometry exercise 9.1 question number 14 NCERT book se. Please like and subscribe this channel. Thanks. Question: A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. और जो balloon है आकाश में जो उड़ रहा है उसको देखती है लड़की, तो 60 degree का elevation of angle बनता है. After some time the angle of the elevation reduces. कुछ समय के बाद angle of elevation घट करके reduces to 30 degree हो जाता है. Find the distance travelled by the balloon. तो बैलून के द्वारा ट्रैवल कितना डिस्टेंस किया गया इस पीरियड में, इसको फाइंड करना है. ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग ड्राइंग बनाएंगे. जैसा ड्राइंग अगर सही बनेगा तो क्वेश्चन भी आंसर निकलने का पॉसिबिलिटी 100% सही होता. ठीक है, अब पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इसलिए फिगर को ड्रॉ करना सबसे प्राइमरी चीज है इसमें, तो लिख लेंगे ड्रॉइंग ऑफ फिगर. ड्रॉइंग ऑफ फिगर देखते हैं, तो इसमें क्या देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में कहता है 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स ए बैलून, तो क्या लिखेंगे पहले, ये गर्ल है. ठीक है, इसकी हाइट है 1.2 मीटर. ठीक है, और क्या कहता है, स्पॉट्स ए बैलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन. तो एक ये बैलून हो गया मेरा, मान लीजिए कि ये बैलून है. ठीक है, और इसका देखती है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाती है कितना, 60 डिग्री. ठीक है, तो पहले सबसे पहले क्या लिख लेंगे, लेट ये ए और ये एल, लेट ए एल इज अ गर्ल स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड, स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड एल एम पर खड़ी है. ये एम कर दिया यहाँ, ये एल एम ग्राउंड है, उस पर वो खड़ी है. स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड एल एम, सो ए एल इज इक्वल टू 1.2 मीटर. एल मेरा 1.2 मीटर है, गर्ल है, ये ग्राउंड एल एम पर खड़ी है. ड्रॉ, ये पहला हो गया. दूसरा क्या लिखेंगे, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एल एम, एल एम के एक पैरेलल लाइन खींचते हैं व्हिच मीट्स एट सी. ये हो गया, चल ड्रॉ ए लाइन, इसके पैरेलल एक लाइन खींचते हैं. ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एल एम, ये पैरेलल टू एल एम एक लाइन खींच लिया. ठीक है, अब फ्रॉम गर्ल्स आई, ये गर्ल्स आई मानते हैं, फ्रॉम ये ए, फ्रॉम तीसरा, फ्रॉम पॉइंट ए सी लुक्स ए बैलून, ये फ्रॉम ए से ये बैलून को देखती है, लुक करती है बैलून एट पॉइंट पी, ये पी को देखती है यहाँ से. ठीक है, ए से पी को देखती है, इसको पी मान लिया. उसके बाद और यहाँ पी से अब क्या करते हैं, पी से अब ग्राउंड पर एक भट
वर्टिकल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसको हम डी कर देते हैं, हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम ग्राउंड इज 88.2 मीटर, ये दिया हुआ है 88.2 मीटर है, सो पी डी इज इक्वल टू 88.2 मीटर, ये 88.2 मीटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक 88.2 मीटर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द इंस्टेंट पोजिशन, इंस्टेंट उस समय जो पोजिशन है उससे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, ये 60 डिग्री है, ये कितना है 60 डिग्री है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बैलून फ्रॉम पॉइंट ए इज 60 डिग्री, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, सो एंगल पी ए बी, ये जहाँ क्रॉस करता है इसको पहले यहाँ बी डाल देते हैं, पी ए बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। नेक्स्ट है, नाउ बैलून ट्रेवल्स टू पॉइंट क्यू, अब यहाँ ये पॉइंट क्यू पर अब ये चला जाता है, ये हो गया बैलून, ये पॉइंट क्यू हो गया, अब फिर यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ डाल देंगे, ठीक है, क्यू, और उस समय एंगल ऑफ एलिवेशन जब चला जाता है तो ये हो जाता है 30 डिग्री, ये कितना होता है 30 डिग्री एलिवेशन होता है, जिसमें लिखा हुआ है रिड्यूस टू 30 डिग्री हो गया। अब इसमें यहाँ एक ये चीज़ देखना है कि जब एंगल 60 से 30 हो गया तो जो परपेंडिकुलर लाइन है या जो पॉइंट ऑफ एलिवेशन है उससे दूर जाएगा, उसका वैल्यू अगर कम होगा तो उसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा, इसलिए हम क्यू इधर ही लेंगे, इधर नहीं लेंगे, ठीक है, जितना एंगल कम होगा ये डिस्टेंस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से उसका डिस्टेंस बढ़ेगा, तो हम इसको इधर ही ले जाएंगे, इधर नहीं ले जाएंगे, ठीक है। नाउ बैलून ट्रेवल्स टू पॉइंट क्यू एंड एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, ठीक है, सो एंगल अब क्या हो गया क्यू ए, इसको मान लेते हैं सी डाल देते हैं, इसको यहाँ सी डाल देते हैं, तो क्यू ए सी, क्यू ए सी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है, इतना तो आ गया सब, फिगर जैसा सवाल है उसी के हिसाब से फिगर ड्रॉ करते जाएंगे। अब इसमें हम क्या देखते हैं, गर्ल का हाइट कितना है 1.2 है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 1.2 मीटर होगा, ये भी क्या हो गया 1.2 मीटर होगा, और यहाँ से पूरा डिस्टेंस हाइट कितना है इसका, ये है 88.2 मीटर, ठीक है, ये पूरा हाइट यहाँ भी 88.2 मीटर है, इसलिए कि हॉरिजॉन्टली जाता है, कोई माने हाइट में कोई चेंजिंग नहीं होता, प्लेस में चेंजिंग होता है, द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट द हाइट ऑफ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर ले जाता है हाइट में, या हाइट में कोई चेंजिंग नहीं होता है, इसलिए यहाँ भी 88.2 मीटर हाइट है, यहाँ जो फर्स्ट पोजिशन है बैलून का वहाँ भी हाइट वही था, ठीक है। तो अब जैसे ये पी बी, ये पी बी का हाइट क्या हो गया इजकल टू पी डी माइनस बी डी, ठीक है, ऐसे ही इसका हो जाएगा क्यू सी इजकल टू क्या हो जाएगा क्यू एम, ये क्यू एम है माइनस क्यू सी हो गया, ठीक है, इजकल टू 88.2 माइनस 1.2 इजकल टू 87
मीटर, तो ये हो गया 87 मीटर। यहाँ से यहाँ तक का हाइट, इसका भी यहाँ से यहाँ तक का हाइट हो गया 87 मीटर। ठीक है, ये अब ड्राइंग बन गया। अब हमको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड पी क्यू, ये पी क्यू फाइंड करना है। यही चेंज हुआ है इसके प्लेस में, पहले पी पर था बैलून, अब क्यू पर चलाया, कितना ट्रैवल किया तो पी क्यू, और पी क्यू बराबर किसका होगा, बी सी का, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर लाइन है हॉरिजेंटल पर, तो पैरेलल है, तो यही बी सी के बराबर होगा, बराबर बी सी, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, अब देखते हैं, अब इसमें दो ट्रायंगल बना मेरा, एक ए बी पी और एक ए सी क्यू, इसमें 60 डिग्री है, इसमें कितना एंगल है, 30 डिग्री है, उसी पर हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें ए बी इसमें भी है और ए सी में भी है, यही हमारा कॉमन है, इसी पर करेंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी पी, ये ए बी पी में क्या है, बी पी बाई, ये हो गया बी पी बाई ए बी, ये हो गया बी पी, 60 के लिए परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर बाई बेस, ये क्या होता है, टैन होता है, यहाँ थीटा के जगह पर 60 डिग्री है, तो यहाँ 60 डिग्री लिख देंगे, टैन 60 डिग्री कितना होता है, ये होता है √3, ये डाल दिया। अब इसमें इसका वैल्यू पुट करेंगे, अब बी पी कितना है मेरा, ये बी पी है 87 है ये बी पी, तो यहाँ 87 डाल देंगे इसके जगह पर, ये 87 ए बी को रहने देंगे, इक्वल टू √3 कर देंगे, तो इससे क्या मेरा निकल जाएगा, √3 ए बी इक्वल टू 87। ठीक है, इससे क्या निकल जाएगा, ए बी इजकल टू 87 बाई √3। √3 इरेशनल नंबर है, इसलिए इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करके नीचे का √3 को हटा देंगे। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करेंगे, √3 इंटू √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, 87 √3 बाई 3 हो गया। ठीक है, अब 3 से 87 कैंसिल होगा, 29 होगा, तो ये हो गया 29 √3, इसलिए ए बी कितना हो गया मेरा, 29 √3, ये मेरा ए बी निकल गया। ठीक है, पहले ट्रायंगल में क्या देखे, ए बी पी में, ये है ए बी पी, ए बी पी इसमें क्या देखे, बी पी बाई ए बी, ये हो गया P बाई बी, ये 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री है, परपेंडिकुलर बाई बेस tan होता है, थीटा के जगह पर 60 डिग्री है, 60 डिग्री डाल दिया, tan 60 डिग्री √3 के बराबर होता है, इसलिए बी पी बाई ए बी √3 हो गया, लेकिन बी पी 87 है, बी पी 87 मीटर है, तो 87 डाल दिया, ये tan 60 के जगह पर √3 डाल दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो √3 ए बी इजकल टू 87, तो ए बी इजकल टू 87 बाई √3, लेकिन इसको नीचे √3 नहीं रखते हैं, इसलिए इसको रेशनलाइज कर दिया, √3 इंटू √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 87 √3, और √3 इंटू √3 3 हो गया, 3 से 87 कैंसिल हो गया, 29 हो गया, तो बच गया 29 √3, यही ए बी का वैल्यू हो गया। ठीक है, यही ए बी का इसमें वैल्यू हो गया। अब इन ट्रायंगल, अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, ए सी क्यू, ए सी क्यू, ठीक है, ए सी क्यू में क्या लेते हैं, इसमें परपेंडिकुलर क्या है, क्यू सी परपेंडिकुलर है, या सी क्यू लीजिए, सी क्यू बेस क्या हो गया, ए सी हो गया बेस, ये भी हो गया पी बाई बी, ये भी हो गया tan, मगर ये tan 60 की जगह पर tan 30 हो गया, थीटा की जगह पर, अब tan 30 कितना होता है, ये होता है 1 बाई √3। ठीक है, अब इसमें डाल देंगे, सी क्यू मेरा कितना है, सी क्यू फिगर में देखिए 87, ये भी है सी क्यू,
तो यहाँ इसके जगह पर डाल दिया 87, एसी के जगह पर एसी डाल दिया, ठीक है। अब ये हो गया 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो एसी इजकल टू कितना हो गया 87√3, 87 × √3 ये एसी निकल गया, ठीक है। तो अब मेरा जब ये निकल गया, एसी निकल गया, एबी निकल गया, तो बीसी निकाल देंगे, एसी में से एबी को माइनस कर देंगे, बीसी निकल जाएगा। तो अब लिख देंगे बीसी इजकल टू क्या कर देंगे, एसी माइनस एबी, एसी माइनस एबी, ये बराबर हो गया, एसी कितना है 87√3 और ये कितना निकला 29√3, इसमें रूट थ्री कॉमन ले लेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा 87 − 29, तो ये हो गया √3 × 58 हो जाएगा ये, तो ये हो गया 58√3, तो ये हो गया एज बी सी इजकल टू पी क्यू, बी सी इजकल टू पी क्यू है, ये बी सी है, ये पी क्यू के बराबर है, एज बी सी इजकल टू पी क्यू इजकल टू कितना निकल गया बी सी मेरा, ये बी सी कितना निकला है यहाँ 58√3 मीटर, हेंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून इजकल टू 58√3 मीटर, ठीक है। इसमें कुछ करना नहीं था, ये फिगर ड्रॉ कर लिया, फिगर अगर सही ड्रॉ हो जाएगा तो क्वेश्चन का आंसर ही मिल जाएगा। अब इस ट्रायंगल में देख लिया, एबीपी में देख लिया, इसके परपेंडिकुलर है बीपी, तो लिख दिया बीपी, बेस है एबी तो एबी लिख दिया, ये 60 डिग्री है, एबी बीपी है 87, 87/AB डाल दिया तो ये √3 हो गया। अब √3 AB = 87, तो AB = 87/√3, इसको रेशनलाइज कर दिया √3 से, 87√3 हो गया, 87 को 3 से कट कर दिया, 29 √3 हो गया, AB निकल गया। इसी तरह दूसरा ट्रायंगल में ACQ में CQ/AC P/B हो गया, 10√3 हो गया, 1/√3 होता है 10√3, तो इसमें AC का वैल्यू निकाल दिया। अब BC है AC माइनस AB, वो माइनस करके निकाल दिया 58√3, यही इसका डिस्टेंस होगा। थैंक्स।